Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examination journey, has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Aaj ka jo hamara topic hai, wo mera bhi and saath hi saath UPSC ka bhi bahut favorite topic hai, science and tech ke through hum aaye hain. ISRO ne एक नया स्पेस लॉन्च व्हीकल, एक नया लॉन्च व्हीकल की PSLV को रिप्लेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं NGLV, नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल. उसके बारे में देखते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम PSLV और किस टाइप का इंजन यूज करते हैं ये और इसका पेलोड कैपेसिटी क्या है, जिसके ऊपर बेसिक सवाल बन सकते हैं. एंड सिंपल टॉपिक है आज का, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक रहेगा. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स फॉर ईयर प्री एज वेल एज मेन्स, क्योंकि टू द पॉइंट सीरीज के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन की और इसमें इतनी चर्चा का कोई पॉइंट नहीं रहता है. दिस इज द कोर्स जहां पे होलिस्टिकली आपके करंट अफेयर को कवर किया जाता है एंड यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल एज वेल. लिंक इज डाउन देयर, यू गो देयर, चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द क्लासेज एंड इट विल ईज योर जर्नी. इट विल एंश्योर कि आपका करंट अफेयर जो है वो कंप्लीटली एक बार में डन हो गया है फॉर ईयर प्री एज वेल एज मेन, एंड इट इज इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट, सो ईज ऑफ एक्सेस इज देयर. नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLV, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग अ रॉकेट नेम्ड NGLV, नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLV, टू रिप्लेस इट्स एजिंग वर्क हॉर्स, बूढ़ा होता घोड़ा, और उसने बहुत काम दिया है, PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो है आपके पास नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, इट इज ऑन द वे. थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में. NGLV इज एम्ड एट अ कॉस्ट एफिशिएंट. देखो अब ये सारे कीवर्ड्स हैं यहां पे इन केस यू आर मेकिंग नोट्स, तो इनको आप ऐसे लाइन में लिखना और थोड़ा बड़ा करके लिखना ताकि आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको याद रहे कि क्या बात है. कॉस्ट एफिशिएंट तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, पर बाकी स्टेजेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट एफिशिएंट, 3-stage to orbit, रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विद पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ 10 टन्स टू GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर. 3-stage रॉकेट है ये, जिसके अंदर जो इसकी आखिरी स्टेज है दैट इज सेमी क्रायोजेनिक इन नेचर. इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रायोजेनिक, और कैसे डिफरेंट है वो भी हम अभी देखते हैं. 3-stage to orbit रॉकेट, रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विद पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ 10 tons. इट इज फीचर्ड विद, ये देखो लिखा हुआ है, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन फॉर द बूस्टर स्टेजेस विच इज चीपर एंड एफिशियंट. सेमी क्रायोजेनिक, तो ये थोड़ा सा नया टर्म होगा शायद आप लोगों ने पहले नहीं. क्रायोजेनिक सुना हुआ सबने, क्रायोजेनिक्स आर द स्टडी ऑफ मटीरियल एंड देयर बिहेवियर ऑन अ वेरी लो टेम्परेचर, कि उस समय वो कैसा बिहेव करेंगे, -150 -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास. द न्यू रॉकेट कुड ऑल्सो बी रीयूजेबल, जैसे यहां पे लिखा हुआ था, अ रीयूजेबल रॉकेट विल हैव अ स्मॉलर पेलोड देन एक्सपेंडेबल वन. एक्सपेंडेबल मतलब जो खर्च हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा. रीयूजेबल वाले का पेलोड है दैट विल बी अराउंड 5 tons. ठीक है, अगर रीयूजेबल है तो उसका पेलोड है 5 tons, और जो यूजेबल है एक्सपेंडेबल है उसका है 10 tons. बस इतनी सी बात है इसमें और कुछ नहीं है. पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्री वुड एंश्योर, अभी इसरो थोड़ा काम भी कर रहा है इस पे कि प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहा है ताकि कमर्शियलाइज हो जाए काम, बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च हो और इंडिया हब बन जाए. एंड इसरो ऑन इट्स ओन, मतलब इट इज नॉट लॉजिकल टू डू. Participation of the industry would ensure that capability is created outside ISRO to build, operate and launch it on a commercial basis. तो ये उस टाइप का कि इसमें private participation को भी जो है बढ़ावा, प्रोत्साहन दिया जा रहा है. सवाल देखते हैं, सवाल क्या है? मतलब क्रायोजेनिक इंजन देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है, सेमी क्रायोजेनिक क्या है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि उससे ज्यादा चांस इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आने के रहते हैं, तो इसको हम और फोकस से देखेंगे. क्रायोजेनिक इंजन, इट यूजेस लॉक्स विच इज लिक्विड ऑक्सीजन
एंड लिक्विड हाइड्रोजन जिसको LH2 कहा जाता है. सो कभी अगर एग्जाम में आपको LOX और LH2 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब यही होता है, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट्स विच लिक्विफाई एट -183 डिग्री सेल्सियस एंड -250 डिग्री सेल्सियस. अभी मैं आपको बता रहा था कि क्रायोजेनिक का वही है. अ क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक स्टेज इज दी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल्स विच मेक्स यूज ऑफ क्रायोजेनिक्स. ये लास्ट में जाके किक इन होता है. एंड क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटीरियल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. ये इसकी डेफिनेशन है. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूल क्या है इसका, LOX एंड LH2. और क्रायोजेनिक इंजन कहाँ किक इन करता है, इन द लास्ट स्टेज. जैसे स्टार्टिंग में लिखा था ना कि थ्री स्टेज इंजन है, तो थर्ड स्टेज इसकी ये होगी. अभी लेट्स मूव ऑन टू सेमी क्रायोजेनिक, कि क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक में क्या फर्क है एंड इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक को क्यों इस्तेमाल किया है. अनलाइक अ क्रायोजेनिक इंजन, अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजेस, दिस इज द की. एंड अगर आप लोगों का अगले साल प्री निकल जाता है और ये क्वेश्चन आते हैं तो कम बैक टू दिस वीडियो एंड थैंक मी डाउन देयर. रिफाइंड केरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, LH2 की जगह वी हैव रिफाइंड केरोसिन. ये फर्क है क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर. केरोसिन कंबाइंड विद लिक्विड ऑक्सीजन, अगेन इट इज द सेम, LOX इज द सेम, प्रोवाइड अ हायर थ्रस्ट टू द रॉकेट. रिफाइंड केरोसिन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन वॉट, LH2 जिससे रिप्लेस किया है उससे, मेकिंग इट पॉसिबल टू कैरी मोर प्रोपेलेंट इन अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन फ्यूल कंपार्टमेंट. स्पेस कम लेगा तो आप ज्यादा लेके जा सकते हो, है ना, तो वो वाली चीज है. दैट इज वाई इट इज मोर एफिशियंट एंड इसरो इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दिस. एंड होपफुली NGLV के ऊपर आपको जल्दी ही कोई और न्यूज भी मिल जाएगी एंड प्रोबेबली विल बी डिस्कसिंग इट हेयर. सो दिस वॉज NGLV बाय इसरो. माई नेम इज रोहित गर्चा. द सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट. चेक आउट द होल्स द करंट अफेयर थिंग, जो हमारा पूरा करंट अफेयर कोर्स चल रहा है. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू गेट अ 7-day free trial. And this is Abhimanyu IAS.